दोस्तों आज हम कंबोडिया के एक ऐसे गांव की यात्रा करने जा रहे हैं जो शायद दुनिया में बहुत ही अनोखा गांव है। ये गांव पूरा तैरता हुआ गांव है और इसको फ्लोटिंग विलेज कहते हैं। तो इस गांव का नाम है कैंपोंग फ्लुक। दोस्तों ये तास नदी के किनारे पूरा गांव बसा हुआ है और ये वही नदी है, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम एक लड़की को रेस्क्यू करने के लिए इस नदी में कूद गए थे। इस गांव के लोकेशन की बात की जाए तो ये गाँव कंबोडिया की राजधानी से 350 किलोमीटर दूर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है अंगकोर वाट, उससे कोई 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और इसके पास में बड़ी सिटी है, उसको बोलते हैं सियम रिप। तो हमने इस गांव में जाने के लिए हमने एक बाइक रेंट किया जिसका एक बाइक का $12 हमने पे किया। ये जो टिकट काउंटर स्टॉनलेस से आप लिखा है ना, ये कोई 5 किलोमीटर पहले आ जाता है। यहाँ पे आगे जाने से पहले आपको टिकट लेनी पड़ती है। ये वाला गांव है कुछ ऐसा दिखता है देखो, लेकिन यहाँ जाने से पहले आपको $20 की टिकट लेनी पड़ती है और इसमें जाने के लिए आपको बोट से जाना पड़ता है, जैसे कि नदी है ना इसके अंदर से होकर के, और उसके बाद आगे जाने के बाद और गाँव में जाने का $5 और है। अभी हम यहाँ हैं, यहाँ से बोट में बैठ के इधर 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 ऐसे ऐसे घूमते घूमते जाएँगे वहाँ पर। हमने यहाँ पे बार्गेनिंग करते करते $12 में काम सेट कर लिया भाई, कैसे भी कर। बोल रहे थे ये 20 बोल रहे थे, 12 में बड़ी मुश्किल से किया हमने, तो 10 का ट्राई किया। नहीं नहीं वो सब कुछ मिलाकर 12 में ही पड़ जाएगा। अच्छा है तो। यार पहले मेरा तो मन था 10 में करवाने का, पर लेकिन हो नहीं रहा 10 में, बड़ी मुश्किल से 12 में बोर्ड सब आ जाएगी। हाँ सब कुछ। दोस्तों ये $12 पर बंदे के हिसाब से टिकट लग रही है जो जहाज में बैठ के हम गांव में जाएंगे उसकी है। और ये देखो यहाँ पे कंबोडिया के दूर दूर तक फैले हुए गांव में हम पहुँच गए, खेतों में देख लीजिए। अब आगे चलते हैं कंटिन्यू। आज का टूर वैसे चल ही रहा है काफ़ी ज़्यादा, वो कहते हैं ना मौज मस्ती वाला, और ख़तरनाक टूर हो गया है क्योंकि हम निकले तो थे बाइक रेंट करके आपको फ्लोटिंग विलेज दिखाने के लिए, लेकिन फ्लोटिंग विलेज जाते जाते बीच में हमने एक पुल पे रुकने का फैसला किया जो लकड़ी का पुल बना हुआ था। लेकिन लकड़ी के पुल पे एक्चुअली हुआ क्या पता है आपको, नीचे एक 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 लड़की थी जो पानी के अंदर डूबी हुई थी और साइकिल के साथ रो रही थी, उसको निकाला, उसकी जान बचाई। तब तक हमारा हेलमेट उस नदी में बह चुका था, मैंने किसी और का हेलमेट लिया है। अभी भी कंटिन्यू हमारे साथ साथ ये नदी चल रही है और इस नदी के अंदर कंबोडिया के युवा नौजवान आपको मछलियाँ झींगा इस नदी के किनारे फिशिंग करते हुए आपको मिल जाएंगे। अभी भी हम कंटिन्यू चल रहे हैं, करीबन टिकट लेने के बाद भी 5-6 किलोमीटर तो आ ही गए हैं, अभी भी आगे जा रहे हैं। देखो कितना दूर है पता नहीं। तो भाई देखो अब बोट आना शुरू हो गई, काफ़ी सारी बोट यहाँ पर पड़ी हुई है, कुछ रिपेयरिंग कर रहे हैं, कुछ अलग अलग काम कर रहे हैं, ये सब बोट इसीलिए है। हम आगे यहाँ पे बाइक यहाँ पे रख दिया, टिकट ये ले लिए काका ने और इन्होंने चेक कर लिया। गो दिस वे, और दो लोग हमारे साथ में, ये टिकट काउंटर। कंबोडिया में भाई थाईलैंड जैसा नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं करते लोग। यहाँ देखो बोट का इंजन ठीक कर रहे हैं भाई साहब, वेलकम कर रहे, पता नहीं कैमरे से फोटो ले रहे। यू क्लिक फोटो फोटो या भाई भाई, यू क्लिक फोटो फॉर दोस्तों। अब हमारा शानदार सफ़र स्टार्ट हो चुका है, हम लोग बोट में बैठ चुके हैं और 5 लोगों के साथ ये बोट चल निकली है। आधे घंटे का हमारा जाने का सफ़र रहेगा, आधा घंटा हम वहाँ आराम करेंगे और आधा घंटे में वापस आएंगे। जय
जिस नदी में हमारा हेलमेट गिरा था वही नदी के अंदर अंदर हमारी बोट जा रही है। और इसी नदी में आगे जाते हुए आपको दिखेगा वो विलेज जो अंदर तैर रहा है पानी के अंदर। ये नदी ऐसे तो इसके अंदर एक भाई साहब ऑपरेटर है और एक मैडम है, वो आगे बैठ के उसका नेविगेशन कर रही है। दोस्तों इस कैंपोंग फुलेक गांव में आते ही एक ख्याल सबसे पहले आता है कि ये लोग इस नदी के इतना पास में घर बना रहे हैं, इतना ऊंचा बना रहे हैं, तो ये स्टेबल कैसे रहेगा? जब पानी आएगा बाढ़ तो ये घर गिर जाएंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली बाढ़ आती नहीं दोस्तों, इतना पानी हमेशा ही रहता है, ये ज़मीन के लेवल के बराबर है। और जब थोड़ा सा पानी ज़्यादा होगा तो पूरा पानी इधर उधर फैल जाएगा। ये जो मकान के नीचे आपको खंभे दिख रहे हैं ये लकड़े के हैं और इसके नीचे से पूरा पानी भर जाएगा, तो ये स्टेबल ही रहेगा, ये गिरेगा नहीं। और पानी पूरा आसपास का जितना एरिया ना सब जगह पानी भर जाएगा। फिर इनके आने जाने का रास्ता हो जाएगा बोट। अभी भी ये बोट से ही आते हैं लेकिन फिर प्रॉपर बोट हो जाएगी, साइड में एक रोड है वो भी बंद हो जाएगी, तो इसीलिए इसको फ्लोटिंग विलेज कहते हैं। अब एक और ख्याल आएगा कि ये लोग यहाँ पे ऐसे घर बना के क्यों रहते हैं। तो इनके बाप दादा और इनके पूर्वज यहीं रहते थे और इनका मछली पालन का या मछली फिशिंग का ही बिजनेस था, तो वो लोग पहले से यहीं रहते, अभी भी यहीं रहना पसंद करते हैं, तो इसी तरह से ये रहते हैं। कुछ लोग तो पानी के अंदर ही घर बना के रहते हैं भाई साहब। तो आगे चलते हैं और इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं। ये अद्भुत है भाई साहब, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। इस नदी के पास में ये घर लकड़ों के ऊपर बने हुए हैं, काफ़ी ऊपर है, कम से कम 15-20 फुट के हाइट पे। तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पे बाढ़ वगैरह आती रहती है, पानी तो रहता ही है 24 घंटे 365 दिन। लेकिन सुपर बोट इसकी वजह से ये लोग क्या है ना कि ये घर ऊपर ही बनाते हैं, किसी का घर नीचे नहीं है भाई। ज़बरदस्त है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भाई ने तो पक्का घर बना दिया।
तो दोस्तों अभी देखे आपने हजारों मकान थे जो इस नदी के किनारे थे। अब मकान और गांव तो पूरा हुआ, अब हम सीधा सीधा इस झाड़ियों में से होते हुए, जंगल से होते हुए हम लेक के अंदर जाएंगे। तो अब आप देखिए कंटिन्यू इस नदी को और इस नज़ारे को। बोट के अंदर ही है। यहाँ पे भाई साहब अगर घर किसी ने नीचे भी बनाए तो बोट के अंदर ही घर बना के बोट को बाहर खड़ा कर दिया। अगर कभी बाढ़ आ जाएगी ना तो भाई बोट के साथ ही चलने लग जाएगा। और बाकी तो सब लोगों ने ऊपर ही बनाया, बहुत ऊपर ऊपर बनाया है। अमेजिंग यार, इतना बड़ा गाँव है, किसी डिस्ट्रिक्ट के जितना होगा, जिले के जितना। भाई साहब एक्चुअली हो क्या रहा पता है, बीच में एक बहुत बड़ा गांव आया जैसा कि हमने दिखाया। अब गांव के बाद में खाली नदी आ गई है और इस नदी के दोनों ओर बहुत ज़्यादा झाड़ियां हैं, अलग तरह की झाड़ियां, दिखाता हूं आपको। जहाँ पे एंड होती है एक लेक है बड़ी सी, उस लेक के अंदर आ गए हैं। और इस लेक के अंदर भी देखो कुछ घर हैं और आगे भी घर है, जो तैरते हुए घर है, फ्लोटिंग होम है, वो यही है।
देखो लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं इस लेक के बीचों बीच, ये तैरता हुआ एक होटल है और पता नहीं ये शायद नीचे से। ओके थैंक यू, चलते हैं भाई इस होटल के अंदर। कम ऑन, ओह माय गॉड। तो फाइनली हम पहुंच गए इस तैरते हुए होटल में। मुझे तो लगता है ये फिक्स किया गया है, लेकिन है बढ़िया होटल यहाँ पे, शानदार जैसे कहीं मार्केट। और दुकान है उकान है, मतलब काफ़ी तेज़ है यार यहाँ पे दुकान का। देखो बुक्स मिल रही है, मतलब एक अच्छी खासी मार्केट है। ऐसा नहीं है कि ये कोई एक दुकान है रेस्टोरेंट, ऐसा नहीं है। फाइन, यू आर सो लक्की। बहुत सारा सामान, पहले हम घूम के इस फ्लोटिंग मार्केट में दिखा देते हैं आपको। ये बेंजी, ओहो इट्स ओके। तो ये एक बोट है और ये पीछे घर है। ये देखो इस तरफ से हम लोग आए हैं, वो जो टावर दिख रहे हैं आपको उस तरफ से हम आए थे। और ये बहन जी अपने घर की जो है सफाई कर रहे हैं, काम का जो यहाँ आम है, यहाँ पे खाना बन रहा है रेस्टोरेंट। लॉट ऑफ मगरमच्छ है भाई इसमें, बहुत सारे क्रोकोडाइल है। देखो ये तो है छोटे छोटे बच्चे, लेकिन इसके अंदर है ना रियल में काफी बड़े मगरमच्छ खड़े है। देखो वाओ, ये देखो इस जाली के अंदर। इंडिया। तो भाई साहब हम अब हैं इस लेक के बीचों बीच, और यहाँ पे अगर नाइट में आते हैं तो ये जो जगह दिख रही है ये वाला आई लव यू का सिंबल है, और ये एक तैरता हुआ होटल है। लेकिन ये तैरता हुआ बोल रहे हैं, मुझे तो कहीं से तैरता नहीं लग रहा था, शायद इन्होंने फिक्स कर दिया है जगह पे। लेकिन हो सकता है इसको तैरता भी कह सकते हैं, है बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ पे पूरा होटल, खाना, रेस्टोरेंट सब कुछ है, और इन्होंने मगरमच्छ भी बांध के रखे हैं। और इस लेक को बोलते हैं, जो पीछे विलेज था उसका नाम था कैंपोंग फ्लुक, कैंपोंग फ्लुक विलेज था। और उसके बाद जस्ट इधर ही आए तो हमको ये मिल गया लेक। इस लेक का नाम क्या है, मैं अभी इनको पूछता हूँ कि लेक का नाम क्या है। चलते हैं। सो दिस लेक नेम, तुमले साप लेक, तुमने साप लेक। मेन्यू दिखा देता हूँ आपको क्या क्या मिल रहा है। ये सब चीज़ें हैं $8 ही समझो आप, $8 से स्टार्ट होता है खाना। वेजिटेरियन तो मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ वेजिटेरियन भी हो। और ये है बियर जो आपको $2 में मिलती है, $2.50 में, ढाई डेढ़। तो ये है हिसाब किताब ये पानी के अंदर। How kilometer long this lake like? I don't know, because the big lake. They have five province out the lake. Okay. Or in this lake mein crocodile bhi hai? Haan. Like there is a crocodile in the lake? No, have crocodile in the lake. You have only here? Just only at the farm. Yeah. Okay, only because you. Because crocodile I buy from in the big city. Yeah. Okay. I bring the crocodile. Put in here for the tourist location. Tourist location. Yeah, okay. So here is school. School. Just a school in the village. In the village. Yeah. Like you have a lot of stationery here. This is I'm seller the book. Sometimes the tourist like buy and give for the kids in the village. Oh yeah yeah yes. Yeah. मतलब ये जो books है ना ये टूरिस्ट यहाँ से लेते हैं और गांव में ले जा करके जो गांव के बच्चे हैं उनको देने के लिए, इसलिए ये यहाँ पे रखते हैं। Yeah. You will live in the boat only. Only the boat. And your children, where do they study? My children stay with me. Okay. They stay in the
village. Stay with my mom. Okay, your mother. Okay. But the school near the house, he go to study fast. Oh, school is also high, like this, all the houses? High also, but and in the village, and the rainy season, all water up all together. Okay. Wow. The and in rainy season, the children go to the school or no? Go to school. Yeah? Take by boat. By boat, okay. Yeah. You live here because why don't you live in the city or something? Because I'm born here. Okay, in this village. Yeah, so you love here, yeah, your birthplace. Like my village. I like all my people to stay here. Yes, so yes. You do earn money from this only, or you do fishing also? Only this. What people do in the village to earn money? A lot of people of fishing. Yeah. Fishing is all. Some there. Small shop like this, okay. Not so many. Okay. A lot of people. Yes. Yeah. Thank you so Thank much. Thank you, Khakwan. तो इन्होंने बताया पूरा हिस्ट्री कि एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे. ये अभी तो है ना बारिश कम है, पानी कम है, इसलिए ये बोट यहाँ पे है. अगर जब बारिश वगैरह ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे पानी बहुत ऊपर चला जाएगा. तो ये क्या करेगी पता है, ये पूरा का पूरा बोट और ये पूरा का पूरा टेलर यहाँ से उठा के जो गाँव हमने देखा ना वहाँ पर ले जाएंगे. और गाँव वाले रहते इसलिए है कि भाई उनका बर्थ प्लेस है, उनके रिलेटिव वगैरह सब यहीं रहते हैं, और उनका बिजनेस है वो फिशिंग है, और कुछ दुकान चलाते हैं. तो मतलब मुख्य पर्पज है वो फिशिंग वाला ही हो गया, क्योंकि फिशिंग के लिए इसके नियरेस्ट में रहते हैं. और घर जो मैंने आपने देखा होगा 20 फीट की जो हाइट पे था, उसका रीज़न ये है कि जो पानी है ना अभी कम है और बाद में पानी बहुत ज़्यादा हाइट पे हो जाएगा, लगभग हम जो खड़े इससे भी ज़्यादा हाइट में, तो गाँव भी लगभग डूबने लग जाता है. इसकी वजह से उन्होंने पहले से हाइट में बना रखी, और कुछ लोगों ने तो बोट में ही घर बना रखा, जब बाढ़ आएगी ना या पानी जब बढ़ जाएगा तो वो सब उसी में ही रहेगा, बोट ऊपर चलती जाएगी. तो ये और ये जो मगरमच्छ की जहाँ तक बात की जाए, ये इनके पर्सनल है, और इस पर्सनल एक टूरिस्ट के देखने के लिए इन्होंने रखे हुए हैं. तो अभी हम चलते हैं, कुछ देर यहाँ इंजॉय करते हैं, और इसके बाद हम चलेंगे हमारी बोट में वापस. जाते हुए आपको फिर से वही दिखाएंगे पूरा विलेज, और एक बार फिर से वही खूबसूरत नज़ारे देखते हैं. मतलब ये दुनिया एक अद्भुत है यार, पानी के अंदर रहना और पानी में ही घर बना लेना, मतलब वो बोट तैरती हुई बोट, मतलब ऐसा तो मैंने पहली बार देखा. हमारे कश्मीर में जो है वो शिकारा है, लेकिन वो तो सिर्फ घूमने के लिए, ये लोग तो पानी के अंदर ही रहते हैं और पानी के अंदर ही घर बना कर. तो फाइनली अब वापस जाने का वक्त आ गया. यहाँ पे करीबन 25 मिनट के आसपास हम रुके थे, और 25 मिनट के बाद मतलब ये बोट में रुकने का मौका भी देते हैं, तो ये अच्छी बात है, यहाँ पे बैठ के इंजॉय कर सकते हैं. जो आपको खरीदना है वो कुछ खरीद सकते हो, मतलब ये लेडी बहुत अच्छी है, आप इसके साथ बात कर सकते हो. जो यहाँ पे फ्लोटिंग में जो लेक के अंदर जो फ्लोटिंग होटल है उसकी बात कर रहे हैं. हाँ. यहाँ की जो लेडीज है वो बहुत अच्छी है ओनर. और अब हम चलते हैं धीरे धीरे वापस, और वापस एक बार फिर से आपको गाँव दिखाते हैं. यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, और काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पे. बैठने जा रहे हैं ये यहाँ पे पकड़ के खड़े हैं, जैसे ही हम जाएंगे ये भी आ जाएंगे हमारे साथ में. ये देखो, और बोट की रस्सी छोड़ दिया. ये देखो, अब हम इसको कहते हैं बाय बाय, और हम चलते हैं घर. ये देखो, इन्होंने जो मगरमच्छ रखे हुए हैं ना, वो आर्टिफिशियल मगरमच्छ इसमें तो नहीं, इन्होंने वैसे खरीदे हुए हैं. इस लेक के अंदर आपको मगरमच्छ नहीं मिलेगा. ये क्या है, ये वाली होटल थी जिसमें हम थे, और अब चलते हैं वापस घर.
और ये बोट रुक नहीं रही है, ये कह रहे हैं कि रुक के नहीं है। मेरा मन था कि मैं गांव के अंदर जाकर आपको कुछ दिखाऊँ, लेकिन इस नंबर रोक नहीं रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं तो मैं उससे बात करता हूँ कि मैं रोक रहे हैं, बात होती है लेकिन रोक नहीं रहे हैं। और पानी सच में इतना ऊपर आ जाता है, पानी सच में इतना ऊपर आ जाता है कि इनको घर इतने ज़्यादा ऊपर बनाने पड़ रहे हैं। देखो यहाँ पर एक मंदिर भी है, भाई जी रुकवा दे यार। ये वाली स्कूल है देखो, और ये यहाँ पे कोई और ऑफिस ही लगती है मुझे, देख लीजिए भाई। और वो है, वो भी सरकारी ऑफिस है। आने जाने का रास्ता ये बोट ही है। जो है वो पुलिस स्टेशन है, वो वाला फाइनली अब हमारा टूर खत्म हुआ और वापस हमको इस डेक पे लाके छोड़ दिया गया। इस जगह पे हम गए थे इस तरफ, अभी हम चलते हैं वापस।